महाशिवरात्रि के मौके पर हरिद्वार से लेकर काशी तक श्रद्धालुओं का हुजूम देखने को मिल रहा है। हरिद्वार में आज महाकुंभ का पहला शाही स्नान है। चूना अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा और किन्नर अखाड़ा करीब 11 बजे हर की पौड़ी ब्रह्मा कुंड पर स्नान करने के लिए पहुंचेंगे। जी आपको बता दें, उधर काशी में भोलेनाथ के दर्शन के लिए सुबह से ही काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा देश के अन्य हिस्सों से भी महाशिवरात्रि के मौके पर विभिन्न मंदिरों में काफी भीड़ देखने को मिल रही है। हालांकि कोरोना को देखते हुए अपेक्षाकृत सावधानी बरती जा रही है। कई मंदिरों में रात से ही रुद्राभिषेक शुरू हो गए। कई जगह कोरोना को देखते हुए शिव बारात नहीं निकाली जाएगी। दिल्ली के प्रसिद्ध गौरीशंकर मंदिर में भी भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है। शिवलिंग पर अभिषेक करके लोग आशीर्वाद ले रहे हैं। आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ स्थित श्रीकालहस्ती के स्वामी ने लोगों को दर्शन दिए और महाशिवरात्रि के वार्षिक ब्रह्मोत्सव के दौरान शेष वाहन की सवारी भी की। महाराष्ट्र स्थित दक्षिण काशी के मंदिर में भी लोगों की भीड़ लगी है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में पुजारी भगवान शिव का अभिषेक करते नजर आए। इधर हरिद्वार में नागा साधुओं के शाही स्नान के लिए आगमन को देखते हुए सुबह 7 बजे तक ही आम श्रद्धालुओं को स्नान करने दिया जाएगा। 7 बजे के बाद हर की पौड़ी क्षेत्र को खाली करवा लिया जाएगा। इसके बाद घाटों की सफाई की जाएगी। इसके बाद यात्री और श्रद्धालुओं के आगमन पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इधर हरिद्वार में महाकुंभ के शाही स्नान को देखते हुए सुरक्षा के भारी इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने हेतु संपूर्ण मेला क्षेत्र को 3 सुपर जोन, 9 जोन और 25 सेक्टरों, 1 GRP तथा 1 यातायात के सेक्टर सहित में बांटकर पुलिस बलों की ड्यूटी लगाई जा चुकी है। सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की कोताही न हो, इसके लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है। इसके लिए प्रत्येक जोन में प्रभारी अधिकारी के रूप में अपर पुलिस अधीक्षक और सेक्टरों में पुलिस उपाधीक्षक को नियुक्त किया गया है।